अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो घर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हजरत इमाम हुसैन के लड़कों का घर है और इमाम हुसैन जैनुलाब्दीन के लड़के भी यहाँ रह चुके हैं। तो इनके बारे में कुछ हिस्ट्री आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ, तो आप लोग बने रहें और पूरा ब्लॉग देखें, पूरी जानकारी मिलेगी आप लोगों को। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं बता सकूँ वो चीज़ जो आप लोगों को शायद नहीं पता हो इस घर के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ की कुछ आप लोगों को बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस मोहल्ले को देख करके पहचान सकते हैं, अगर कभी आपको इधर उमरा हज पे आना हुआ इंशाल्लाह, तो आप लोग इस घरों की ज्यारत ज़रूर करें। ये जो खूबसूरत सा घर आपको देखने को मिल रहा है, इसी घर में इमाम जैनुलाब्दीन और उनके लड़के इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी घरों में गुजारे। रिवायत में आता है कि वो इमाम जैनुलाब्दीन वाहिद वो मर्द थे जो बच गए थे करबला में अल्लाह के हुक्म से। तो आइए हम आपको अभी ये मस्जिद दिखाएंगे जिसमें हजरत इमाम जैनुलाब्दीन जो नमाज अदा किया करते थे, यही वो मस्जिद है। तो ये मस्जिद है, मस्जिद का कुछ ये इस तरह का व्यू है। ये पहले के टाइम में इस तरह से मस्जिद हुआ करता था, तो अभी भी इसको ब्लॉक करके रखा गया है ताकि लोग यहाँ आकर के ज़ियारत कर सकें। तो ये मस्जिद हो गया जैसा कि मैंने आपको बताया है, और इधर आप देख सकते हैं ये कुछ घरों की खिड़कियाँ हैं। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये घर जो बिल्कुल आपको करीब से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए उस टाइम की जो खिड़कियाँ हुआ करती थी इस तरह से हुआ करती थी। और आप घरों के गेट देख सकते हैं आप, इधर आप आपको देखने को ये मिलेगा जो उस टाइम के जो ये दरवाज़ा है, ये देखिए आपको पूरी बारीकी से मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल पास करके, ताकि आप लोग भी ज़ियारत करें। और इंशाल्लाह आप लोग कभी भी आएँ उमरा पे या हज पे तो यहाँ ज़ियारत करने आएँ तो उस वक्त दिक्कत ना हो आपको। ये इस तरह का यहाँ का पहले का टाइम का जो बनाया हुआ है। तो आप एक दूसरी खिड़की भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये दूसरी खिड़की भी आपको देखने को जो मिलेगा, तो सुभान अल्लाह, यकीन मानो जब अपनी खुली आंखों से देखोगे तो यकीन नहीं हो पाएगा कि आज उस टाइम ऐसा लग रहा है तो उस टाइम कैसा लग रहा होगा। और एक दूसरा गेट आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसको ईंट से ब्लॉक कर दिया गया है, तो देख सकते हैं बिल्कुल आपको मैं करीब से दिखा रहा हूँ। और ऊपर की दीवार आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ऊपर भी एक खिड़की मौजूद है, और ये कुछ इस तरह की उस टाइम में दीवार दिया जाता था। तो देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर अभी फ़िलहाल रखा गया है, ये पहले का नहीं है, तो आप लोग ऐसा नहीं सोचे कि ये पहले से मौजूद है, ये फ़िलहाल में रखा गया है इस मोहल्ले की इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो आपको मैं थोड़ा सा मोहल्ले का भी दिखा दूँ कि कौन से मोहल्ले में इनका घर है, ताकि आप लोग कभी आएँ तो कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं तो कुछ इस तरह का ये मोहल्ला है, और ये इमाम जैनुलाब्दीन का घर हो गया, और उनका आंगन दिखा दूँ, ये कुछ इस तरह से उनका आंगन है, तो थोड़ी सी जगह है बिल्कुल। तो और आपको एक चीज़ और दिखाएंगे जो पहले के टाइम में जो कुआं हुआ करता था, जहाँ से इमाम जैनुलाब्दीन जो पानी निकाल करके पिया करते थे, और वजू वगैरह जो भी जरूरतें की चीज़ पानी से जो कूड़े करते थे, और मोहल्ले के जो भी लोग हैं इसी कुएं से वो पानी निकाला करते थे। तो आप इस तरह का देख सकते हैं, वो जो आपको ये देखने को मिल रहा है, ये ऐसा कहा जाता है कि ये भी पहले कोई मस्जिद यहाँ पे रहा है। अब बाकी इसके आगे एक कुआं है, इस कुएं से जो यहाँ के लोग जो आसपास के लोग हैं, जो आप देख सकते हैं ये जितने भी मोहल्ले आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ के लोग इसी कुएं से पानी पिया करते थे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कुआं मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको बिल्कुल करीब से दिखाऊंगा, आप लोग बिल्कुल करीब से देखें कि पहले वो देखिए वो जाली से ढक दिया गया हुआ है, पहले का टाइम का कुआं है, बिल्कुल देख सकते हैं, ये बिल्कुल देख सकते हैं, ये जो देखने को मिल रहा है ना, ये जो जाली से ढका हुआ है यही वो कुआं है जो उस टाइम में वो हजरत इमाम जैनुलाब्दीन इसको यूज करते थे और पानी की जरूरत को पूरा करते थे, तो मोहल्ले के भी लोग इसको यूज करते थे। तो दोस्तों अब मगरिब का टाइम हो चुका है और मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगा। तो आप देख सकते हैं वो पीछे जो मैंने पूरी जानकारी दी है, जो इमाम जैनुलाब्दीन का जो घर है, तो इसके बारे में जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है क्या आपको पता था, नहीं पता था तो मुझे कमेंट करें, ताकि मैं इस तरह का जानकारी आप लोगों के बीच ला सकूं। और ये मेरा अजीज़ दोस्त है जो पाकिस्तान से है, तो हम लोग साथ में आए थे घूमने के लिए, तो आप लोग इनके लिए भी दुआ करें, इनका भी एक
चैनल है, क्या नाम से? एजाज ब्लॉग इनका चैनल है। इनके चैनल पे आप विजिट करें, मैं इनका लिंक डालूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लें नीचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ज़्यादा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।